बम्पर जीत, राघव चड्ढा और संजय सिंह हुए खुश और बीजेपी को सुना दी खरी खरी। दिल्ली के लोगों ने इस बार सोच लिया था कि जैसे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, वैसे नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी लानी है ताकि दिल्ली में साफ सफाई भी हो, दिल्ली स्वच्छ भी बने, हमारी दिल्ली सुंदर भी बने। आखिरी सवाल है, लोग कहते हैं कि जब आपकी सरकार रही तो आपने बिजली पानी फ्री किया, एजुकेशन में काम किया, महिलाओं को सम्मान दिया, उसकी बस राइड फ्री की, एमसीडी आएंगे तो क्या फ्री देंगे? दिल्ली में इतनी गंदगी बीजेपी ने कर दी, कूड़ा कूड़ा कर दिया। नगर निगम की पहली और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की, सैनिटेशन की, क्लीनलीनेस की। दिल्ली को साफ करेंगे। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को जो जो जिम्मेदारी दी, शिक्षा की दी, उन्होंने विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए, शिक्षा क्रांति लाई। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बढ़िया अस्पताल बनाए, सारी दवा दवाई इलाज मुफ्त कर दिया। बिजली की जिम्मेदारी दी दिल्ली के लोगों ने, उन्होंने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली घर घर पहुंचा दी, बिजली 24 घंटे कर दी। यानी कि दिल्ली के लोगों ने जो जो जिम्मेदारी अरविंद जी को दी, आम आदमी पार्टी को दी, उन्होंने निभाई। अब नगर निगम की जिम्मेदारी हमारे पास आ जाएगी तो साफ सफाई होगी, दिल्ली सुंदर बनेगी और दिल्ली साफ सफाई और सुंदरता के मामले में देश की नहीं दुनिया की राजधानी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बना के दिखाएंगे। दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। वो पॉलिटिक्स जिसमें मनीष सिसोदिया पे फर्जी आरोप, सत्येन जैन पे फर्जी आरोप, रोज फर्जी वीडियो जारी करना, रोज बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाना, दिल्ली की जनता ने कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जितनी साजिशें कर सकते हो करो, जितनी गिरफ्तारियां कर सकते हो करो, जितना उत्पीड़न कर सकते हो करो, अपने वोट की ताकत से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक दिल्ली की सबसे छोटी पार्टी माने जाने वाली, जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया। और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी। दिल्ली के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दिल्ली के लोगों ने 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में राजनीति का कूड़ा था, उसे साफ करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को दी है। भाजपा ने सारे तीन तिकड़म किए। मार्च में चुनाव होना था, उन्होंने पहले चुनाव टाले एकीकरण के नाम पर, उसके बाद जो है फिर इन्होंने अनर्गल आरोप प्रत्यारोप झूठे आरोप लगाते रहे, 6 महीने तक लगातार इन्होंने प्रलाप किया। उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि गुजरात का चुनाव हो रहा है, उसी समय एमसीडी का चुनाव करा दो तो शायद जीत जाएंगे। लेकिन सभी तीन तिकड़म को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों ने नकार दिया है और ये फैसला दिया है कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, अगर वो जनता का काम नहीं करेंगे, तो जनता अरविंद केजरीवाल को चुनेगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी। ये फैसला दिल्ली के लोगों ने दिया है।